तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयर डेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत विल्सन से होती है, जो कि घबराकर नींद से जागता है और उस पेंटिंग को देखने लगता है जिसे उसने वैनेसा की आर्ट गैलरी से खरीदा था। अब आगे ये खड़ा होकर अपने खाने के लिए ऑमलेट बनाता है और अब खाने के बाद ये अपने सूट वाले रूम में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद ये अपने लिए कपड़े चेंज कर वहाँ से जाने लगता है। पर ये बाहर जब जा रहा था तो ये अपने आप को एक मिरर में बच्चे के रूप में देखता है, जिसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। अब आगे हम लोग मैट को देखते हैं, जिसकी जब नींद खुलती है तो ये काफी ज्यादा परेशान था। इसके बाद ये भी तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर फॉगी कैरन से मैट को उस यूनियन अलाइट के बारे में बताने को कह रहा था। वैसे कैरन को मैट के ऊपर तो काफी ज्यादा भरोसा था, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैट इसे कानूनी रूप से निपटाने की कोशिश करेगा। इतने में ही मैट अंदर आ जाता है, जिसने सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से कैरन को उसे सब बताना पड़ता है। जिसे सुनकर मैट इसे कानूनी रूप से ही सॉल्व करने को बोलता है और इन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ भी कर उन्हें कानूनी रूप से ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो ये लोग नहीं मान रहे होते, पर मैट इनसे जबरदस्ती करता हुआ इन्हें मना लेता है। साथ ही ये बेन और बाकी प्रूफ के बारे में भी पता कर लेता है कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या फाइंड आउट करा है। दूसरी तरफ हम विल्सन और जेम्स को एक आदमी से बात करते देखते हैं, जो कि इन पर गुस्सा हो रहा कि इनकी वजह से ब्लैक स्काई और वो बच्चा मारा गया था, जिसे कि ब्लैक स्काई शिपमेंट में लोड कराकर पिछले एपिसोड में यहाँ पर ला रहा था। तब विल्सन इस आदमी को सॉरी बोलकर यहाँ से भेज देता है, पर जेम्स चाहता था कि उस आदमी को मजा चखाया जाए, लेकिन विल्सन इस बात के लिए मना कर देता है और कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर विल्सन छोटा था और अपने पिता के साथ काम कर रहा था, जो कि इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। लेकिन ये काफी ज्यादा गुस्सैल आदमी थे और क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसने एक बहुत बड़े आदमी रेगोलेटो, जो कि एक माफिया था, उससे बहुत सारा लोन लिया हुआ था। इस बात को सुनने के बाद विल्सन की मॉम काफी ज्यादा घबराने लगती है, लेकिन इसका डैड गुस्सा दिखाते हुए उसे शांत करवा देता है। अब यहाँ से सीन कुछ दिन आगे जाता है, जहाँ पर विल्सन के डैड इलेक्शन हार चुके थे और इसी बात का मजाक बनाते हुए एक बच्चे ने विल्सन को मारा था। तब विल्सन घर जाकर रोने लगता है। अब जब इसकी मॉम इसे देखती हैं तो वो इसे शांत करवाने लगती हैं, लेकिन जब इसके डैड आकर इसकी हालत देखते हैं तो वो उल्टा इसी को डांटने लगते हैं कि ये पिटकर क्यों आया। और इसे थोड़ी देर डांटने के बाद ये इसे अपने साथ ले जाते हैं और सीधा उसी बच्चे के पास पहुँचते हैं जिसने विल्सन को मारा था। और अब ये खुद उस बच्चे को मारने के बाद विल्सन से भी उसको मारने को कहते हैं। पहले तो विल्सन डर रहा था, लेकिन डैड के फोर्स करने पर ये उस बच्चे को मारने लगता है। अब उस लड़के को मारने के बाद जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो डैड विल्सन को एक चेयर पर बिठा देते हैं और इससे दीवार को देखते हुए सोचने को बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें उस बंदे को खत्म करना है जो कि तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को परेशान करता है। अब ये रात तक इसी बात के बारे में सोचता रहता है, पर रात में अचानक से डैड को रेगोलेटो मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि मॉम जानती थी कि वो पैसों की वजह से डैड को मिलने को बुला रहा है, तो इसी वजह से वो अभी जाने से मना कर देती हैं, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि वो आदमी पैसों के पीछे विल्सन के डैड को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन डैड मॉम पर ही गुस्सा होने लगते हैं और इसे मारने लगते हैं। पहले तो विल्सन कुछ नहीं कह पाता, लेकिन जब बहुत देर तक डैड मॉम को मारते रहते हैं तो विल्सन एक हैमर उठाकर अपने ही डैड की जान ले लेता है, क्योंकि इसकी मॉम जानती थी कि विल्सन ने उन्हें बचाने के लिए ये सब करा है, तो ये इसको सौ लाने को कहती और साथ ही जिसके बाद ये डैड की बॉडी को पीसेस में काट कर ठिकाने लगा देती हैं। अब आगे हम विल्सन को जेम्स से बात करते देखते हैं, जो कि इसे बताता है कि ब्लैक कोमा से बाहर आ गया है। ये जानकर विल्सन उसके दोस्त को इससे मिलने के लिए भेजता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मैट को भी पता चल गया था कि ब्लैक होश में आ गया है, इसीलिए ये ब्लैक से पूछताछ करने का प्लान बनाता है। वहीं विल्सन ब्लैक के दोस्त से ब्लैक को मारने को बोलता है, क्योंकि ये खुद वहां पर नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्लैक की प्रोटेक्शन के लिए वहां पर पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। तो इसका दोस्त इसे मना कर रहा होता है, जिस पर विल्सन इसे धमकाने लगता है और इसीलिए सैम को ब्लैक को मारने के लिए जाना पड़ता है, जहां ये अंदर जाकर ब्लैक को सॉरी बोलता हुआ उसकी बॉटल में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। तभी हमारा टोपे वाला आदमी सैम को पीछे से बेहोश करता हुआ ब्लैक से विल्सन फिस्क के बारे में पूछने लगता है। तब ब्लैक भी इसे विल्सन के बारे में वो सारी चीजें बता है जो कि ये मरने से पहले उसके बारे में बता सकता था। आगे हम लायलैंड को विल्सन के साथ देखते हैं, जहां लायलैंड इसे सब बताता है।
अभी यहाँ पर जेम्स आकर बताता है कि ब्लैक को मारने के पीछे सभी लोगों को उस टोपे वाले आदमी के ऊपर शक है। ये जानकर विल्सन खुश हो जाता है। अब अगले दिन जब ये तैयार हो रहा था कि तभी यहाँ पर जेम्स कॉल कर बताता है कि गाओ इससे मिलने आने वाली है। ये जानकर विल्सन परेशान हो जाता है। अब जब गाओ विल्सन से मिलती है तो ये भी विल्सन को वेल्डरमेर की मौत और ब्लैक स्काई की वजह से सुनाने लगती है। साथ ही इसे धमकाती भी है कि इसे जल्दी से जल्दी सब सही करना होगा, और क्योंकि विल्सन जानता था कि गाओ इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ये इसे कुछ भी नहीं बोल पाता। जैसे ही गाओ यहाँ से निकलती है तो ये गुस्से में टेबल पलटा देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। अब इसकी ऐसी हालत देखकर जेम्स वैनेसा को बुलाता है, जो कि विल्सन को संभालती हुई सब जानती है कि इसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था। अब जब वैनेसा को सब पता चलता है तो ये काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और अब ये विल्सन को शांत करवाने लगती है। और हम लोग अपने टोपे वाले आदमी को देख पाते हैं, जो कि बेन से जाकर मिलता है और इसे बताने लगता है कि ये यूनियन अलाइट को कैसे बर्बाद कर सकता है। और क्योंकि बेन को लग रहा था कि टोपे वाले आदमी के बारे में जितनी भी चीजें न्यूज में दिखाई गई हैं वो सारी सही हैं, तो ये टोपे वाले आदमी से डरने लगता है। इस पर टोपे वाला आदमी इसको सच से रूबरू करवाता हुआ एक आर्टिकल लिखने को बोलता है, ताकि उस आर्टिकल को पढ़कर विल्सन सबके सामने आए। इस पर बेन पहले अंधे कानून से वो सारी चीजें बताने को बोलता है जो ये अब तक जानता है। इस पर हमारा अंधा कानून भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को देखते हैं, जिसने वैनेसा के साथ एक नाइट स्पेंड करी थी, और अगले दिन जब ये उठता है तो वैनेसा ही इसको खाना देती है, और साथ ही अब वो इस बार विल्सन के लिए खुद एक सूट सिलेक्ट करती है। और हम लोग समझ पाते हैं कि इन दोनों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। आगे हम लोग बेन को देखते हैं, जिसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इसने बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड बातों का जिक्र करते हुए उस शख्स को सामने आने को बोला था जो कि इन सब के पीछे था। पर इसके आर्टिकल अपलोड करने से पहले ही न्यूज में विल्सन खुद सामने आ जाता है, जिसमें ये एक बहुत शानदार स्पीच देते हुए अपने किए गए सभी कारनामों को अंधा कानून के ऊपर डाल देता है, यानी कि हमारे मैट के ऊपर। और अब ये सभी लोगों के सामने मीडिया पर वादा करता है कि ये उस टोपे वाले आदमी को ढूंढ लेगा और उसका मुखौटा सबके सामने उतारेगा। अब जब बेन ये सारी चीजें देखता है तो ये तुरंत अपना आर्टिकल डिलीट कर देता है, क्योंकि अब ये समझ गया था कि इस आर्टिकल की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जब मैट ये न्यूज सुनता है तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि विल्सन ने इस तरह से स्पीच दी थी कि लोग उसे अच्छा इंसान समझ रहे थे और ब्लैक मास्क वाले आदमी को एक राक्षस। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।